पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल। ओम नमः शिवाय। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर्द दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुर्ध रापदी क्वचित विगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनी। जो पर्वत राजसुता अर्थात पार्वती जी के विलासमय रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं तथा जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर अर्थात आकाश को वस्त्र समान धारण करने वाले शिव जी की आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। कला धर्म और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण एक प्राचीन राष्ट्र नेपाल। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों के आकर्षण का केंद्र नेपाल। महर्षि वाल्मीकि का कर्म क्षेत्र नेपाल। महान धर्म ग्रंथ रामायण में वर्णित राजा जनक की जन्मभूमि नेपाल। हिमालय की गोद में बसा ये देश सारे संसार में अपनी ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं, अपने धार्मिक ज्ञान, पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। और इसी नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में शामिल देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर भगवान श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर स्थित है। अपनी कई वर्षों की सादगी और आध्यात्मिक ज्ञान को जतन से संजोए खड़ा है ये भव्य और दिव्य पशुपतिनाथ मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है, जहां भारतवर्ष से लाखों हिंदू धर्मानुयायी प्रतिवर्ष भगवान शिव जी के अर्थात श्री पशुपतिनाथ भगवान जी के दर्शन हेतु नेपाल की यात्रा करते हैं। भारत से पशुपतिनाथ मंदिर जाने के लिए आप थल मार्ग या हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या यात्री सार्वजनिक और निजी वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यात्रियों को मुंबई से पशुपतिनाथ मंदिर तक की यात्रा करनी है तो यात्री मुंबई से सड़क के रास्ते होते हुए उत्तर प्रदेश के सोनौली पहुंचकर वहां से नेपाल के काठमांडू तक की यात्रा कर सकते हैं। ये दूरी तकरीबन 1920 किलोमीटर है। या यात्री मुंबई से बिहार के रक्सौल होते हुए वहां से नेपाल के काठमांडू तक की यात्रा कर सकते हैं। यात्री रेल मार्ग द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें मुंबई से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक रेल से यात्रा करनी होगी और उसके बाद यात्रियों को बस या निजी वाहनों से काठमांडू तक की यात्रा करनी होगी। या यात्री मुंबई से बिहार के रक्सौल तक ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं और वहां से काठमांडू तक की यात्रा उन्हें बस या निजी वाहनों द्वारा करनी होगी। श्रद्धालु हवाई मार्ग द्वारा भी मुंबई या दिल्ली से काठमांडू हवाई अड्डे तक की यात्रा कर टैक्सी द्वारा मंदिर तक 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। बौद्धनाथ स्तूप से भी टैक्सी द्वारा 10 मिनट में मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। आप काठमांडू के सिटी बस स्टेशन या रत्ना पार्क से भी बसें ले सकते हैं। आप पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा साल भर में कभी भी कर सकते हैं। हालांकि महाशिवरात्रि, तीज और बाला चतुर्थी के त्योहारों के दौरान मंदिर में भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। अगर आप इन मौकों पर यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए, वरना घूमने के लिहाज से आप किसी भी मौसम में यहां आ सकते हैं। भगवान शिव का ये धाम हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जिस कारण यहां दर्शन के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी असंख्य श्रद्धालु भगवान शिव जी के अर्थात श्री पशुपतिनाथ भगवान जी के दर्शन हेतु नेपाल की यात्रा करते हैं। माना जाता है कि ये लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। भगवान पशुपतिनाथ काठमांडू के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता हैं। ये मंदिर पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। वैसे तो इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं है,
किंतु मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशु प्रेक्ष ने 3rd सदी ईसा पूर्व में करवाया था। बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया। कालांतर में दीमक की वजह से इस मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 17वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण कराया गया। बाद में मध्य युग तक इसी तरह दिखने वाले मंदिरों का निर्माण किया गया। ऐसे मंदिरों में भक्तपुर, ललितपुर और बनारस 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शामिल हैं। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया। 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के कारण आसपास की कई संरचनाएं और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल पर्यटन स्थलों को हानि पहुंची, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर पर कोई आंच तक नहीं आई। दीवारों पर बस कुछ दरारें दिखाई देती हैं। स्थानीय लोग और भक्त इसे दैवीय शक्ति का संकेत मानते हैं। इसी प्रकार के दैवीय शक्ति के संकेत हमें केदारनाथ में भी देखने को मिलते हैं, जहां पर कुछ सालों पहले महाप्रलय के कारण केदारनाथ के आसपास के क्षेत्रों में बहुत क्षति पहुंची, लेकिन केदारनाथ के मुख्य मंदिर को कुछ भी हानि नहीं हुई। जबकि अन्य लोग ये तर्क भी देते हैं कि मंदिर की वास्तुकला और मजबूत आधार इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग भी है और माना जाता है कि ये मंदिर केदारनाथ मंदिर का आधा हिस्सा है। 12 ज्योतिर्लिंग का हिस्सा माने जाने के कारण श्री पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। भगवान पशुपतिनाथ नेपाल के संरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी दिव्य महिमा से ये पवित्र भूमि इस ग्रह के प्रत्येक हिंदुओं के लिए सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। शिव जी को 1008 नामों से जाना और पूजा जाता है, लेकिन उनके इन 1008 नामों में से पशुपतिनाथ सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली नाम है। भगवान श्री पशुपतिनाथ का नाम दो शब्दों से बना है, पशु और पति। पशु का अर्थ न केवल पशु है, बल्कि सभी मनुष्य हैं, जब तक कि उनमें ज्ञान न हो, और पति का मतलब भगवान, तो पशुपति का अर्थ है सबके भगवान। कुछ विद्वान श्री पशुपतिनाथ नाम की व्याख्या ऐसे भी करते हैं, पशु अर्थात जीव या प्राणी और पति अर्थात स्वामी या नाथ। इसका मतलब ये कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी। दूसरे शब्दों में श्री पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन के मालिक। ये कहा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर की ऐसी विशेषता है कि यदि आपकी मृत्यु इस मंदिर के परिसर में होती है तो जीवन काल में किए गए समस्त पापों के बावजूद दोबारा आपका जन्म मनुष्य रूप में ही होगा। इसलिए पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में अपने जीवन के अंतिम पलों को बिताने के लिए कई वृद्ध श्रद्धालु इस स्थान पर आते हैं। मुख्य रूप से हिंदुओं को ही पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। हिंदू यानी कि वैदिक, बौद्ध, जैन और सिख। आगे जंगल के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर के दृश्यावलोकन के लिए एक बहुत बड़ा बरामदा बनाया गया है। क्योंकि गैर हिंदू श्री पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं जा सकते, इसलिए गैर हिंदू और विदेशी पर्यटक इस बरामदे से ही श्री पशुपतिनाथ के मंदिर की कलात्मकता का अवलोकन कर सकते हैं। This is the second time I'm here to Pashupatinath. My parents, my family members have never been here, and I was told that Pashupatinath is very important in Nepali culture, and so we would like to understand more about the significance of this place, about the temple. We have some background of understanding in Buddhism, and there seem to be some connections or some similarities, and that makes it very interesting also to visit a place like this. Some of the symbolism is very similar, some of the symbolism is very different. And we try to come to a deeper understanding about both the religious aspects and the cultural aspects here in Nepal. मैं चंडीगढ़ से आई हूँ और मैं यहाँ दर्शन करने 3rd बार आई हूँ। इनकी मान्यता काफ़ी अच्छी है, इस वजह से मन करता है कि बार बार आएँ, और अच्छा लगता है आ करके। काफ़ी यहाँ पे मन को बड़ी शांति मिलती है। हम पहली बार इसलिए दर्शन करने आए मनोकामना लेके कि जो भी है हमारी मनोकामना पूरी करे पशुपतिनाथ हमारे। पशुपतिनाथ की जय।
ये मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का अप्रतिम मिश्रण है। पगोड़ा शैली में बना ये विशाल मंदिर दो मंजिला है। दोनों मंजिलों में बनी ढलानदार छतों में सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर के सबसे ऊपर स्वर्ण कलश जैसा शिखर है। ये मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्थापत्य सम्मिलित हैं। मंदिर की द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, उस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर के भीतर दो गर्भगृह हैं। भीतरी गर्भगृह वो स्थान है जहां शिवलिंग को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। लकड़ी से बने स्तंभ जो मंदिर को सहारा देते हैं, उनमें कई देवी देवताओं की छवि को इस तरह से नक्काशित किया गया है जैसे वे भगवान की आराधना करने के लिए बनाए गए हैं। मुख्य मंदिर में कुल चार द्वार हैं, जो चारों दिशाओं में स्थित हैं, जहां से होकर भक्तगण श्री पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर है। अधिकांश श्रद्धालु इसी द्वार से प्रवेश करते हैं। जैसे ही श्रद्धालु इस द्वार से प्रवेश करते हैं, उन्हें नंदी के विशाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में मान्यता है, नंदी भगवान शिव का वाहन है, किंतु कुछ हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव से पहले नंदी को देखना अशुभ होता है, इसलिए वे मंदिर में प्रवेश करते समय अपनी आंखों को पशुपतिनाथ मंदिर के कलश की ओर केंद्रित करते हैं, ताकि उनकी नजर श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन से पहले नंदी पर ना पड़े। ये भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है, उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। हालांकि शर्त यह है कि शिवलिंग के दर्शन के पहले नंदी के दर्शन ना करें। यदि कोई श्रद्धालु ऐसा करते हैं तो उनका अगला जन्म पशु योनि में होगा। दूसरा द्वार है मंदिर के पूर्व की ओर बागमती नदी का आर्यघाट। आर्यघाट में स्नान कर भगवान को जल चढ़ाने वाले भक्त तथा भगवान के दर्शन से पहले नंदी को देखना अशुभ मानने वाले श्रद्धालु इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश करना पसंद करते हैं। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाए जाने का प्रावधान है। कुछ श्रद्धालु गौरी घाट में स्नान कर तीसरे द्वार से प्रवेश कर अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने के पश्चात पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। चतुर्थ द्वार दक्षिण द्वार है, जो तांबे और सोने के मिश्रण से बना है। घंटानाद के साथ प्रतिदिन प्रातः 4 बजे भंडारियों द्वारा गर्भगृह का पश्चिमी द्वार खोला जाता है। प्रातः 9 बजे अन्य 3 दरवाजे भी खोले जाते हैं। मंदिर में कलश पूजा का विशेष महत्व है। श्री पशुपतिनाथ की पूजा के लिए उनकी मूर्ति से पिछले दिन के श्रृंगार उतार कर विभिन्न तीर्थों के पवित्र जल से उनका स्नान किया जाता है। इस प्रक्रिया को आदि कलश अभिषेक कहते हैं। इसके पश्चात उन्हें बारी बारी से शहद, चीनी और बागमती नदी के जल से स्नान कराया जाता है। स्नान के पश्चात लिंग के ऊपर बेलपत्र, अक्षता, रुद्राक्ष और सिंदूर चढ़ाकर विशेष पूजा की जाती है। फिर अगरबत्ती, धूप, कपूर, तेल दीप से आरती करके भक्तों को दीप स्पर्श कराया जाता है। फिर दोपहर 12 बजे भगवान का पूर्ण कलश अभिषेक होता है। दोपहर श्रृंगार आरती के बाद 1:30 बजे शंख जल अभिषेक होता है। तत्पश्चात भगवान को बाल भोग चढ़ाकर मंदिर के चारों पट शाम 5 बजे तक बंद कर दिए जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। रुद्राभिषेक में शिवलिंग को पवित्र स्नान कराकर पूजा अर्चना की जाती है। रुद्राभिषेक पूजा के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक है और माना जाता है कि इससे भक्तों को समृद्धि और शांति के साथ आशीर्वाद मिलता है और कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पूजा में पशुपतिनाथ भगवान को पंचामृत अर्थात दही, दूध, घी, शहद और शक्कर अर्पण किया जाता है। पुजारी पूजा की समाप्ति के पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद, चंदन और पवित्र माला देते हैं। And I have been coming here since my childhood. Since I live here, so coming at Pashupati is not a new thing for me. I come here every month with my family. And today I have been here for my birthday celebration. I came here to do puja for Lord Shiva. मैं कनाडा से आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ। पूरे विश्व में सुख और शांति के लिए मैंने कामना की है।
और प्रभु जी का पशुपतिनाथ जी का धन्यवाद करती हूँ। ये मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त और देर शाम का होता है। दोपहर में 1 से 1.5 बजे के बीच लिंगम को भव्य रूप से भव्य पोशाक पहनाई जाती है, जो ब्रोकेट से बनी होती है और त्रिपुंड के साथ सजाई जाती है। छत्रों को भी 4 सिर पर रखा जाता है। शीर्ष सिर पर श्री यंत्र को चंदन के साथ खींचा जाता है और उसके बाद आरती की जाती है। बाद में भोग चढ़ाया जाता है। संध्या समय फिर से आरती की जाती है। पवित्र मंदिर में शिवलिंग का पशुपति रूप लगभग 3.5 फीट यानी 1 मीटर ऊंचा है। उनके दिव्य रूप में लिंगम पर 5 चेहरे जुड़े हुए हैं। लिंगम के 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख जो आकारहीन है वो ऊपरी भाग में है। 4 चेहरों के प्रत्येक किनारे हाथों की एक जोड़ी है। दाहिने हाथों में 12 फर वाले रुद्राक्ष की 16 मनकों की माला है और बाएं हाथ में पवित्र अमृत से बना कमंडल है। रुद्राक्ष माला समय के महत्व को दर्शाता है और जल के कलश से पता चलता है कि जल ही जीवन है। सभी मुख अपने आप में कुछ महत्व और नाम लिए हुए हैं। शिवलिंग पर पूर्व दिशा में बने मुख को तत्पुरुषा, दक्षिणी मुख को अघोरा, उत्तरी मुख को वामदेव तथा पश्चिमी दिशा वाले मुख को साध्योजटा के नाम से जाना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवलिंग के इन मुखों को हिंदू धर्म के 4 वेदों के चिन्हों के रूप में वर्णित किया जाता है। इसके ऊपर के भाग को ईशान कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर की एक और विशेषता ये है कि यहाँ की मुख्य मूर्ति की पूजा पाठ और उसे छूने का जिम्मा केवल 4 पुजारियों को ही है। इन पुजारियों को भट्ट कहते हैं। भट्ट कर्नाटक के उच्च शिक्षित वैदिक द्रविड़ ब्राह्मण विद्वान हैं। अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारियों का चयन वंशानुगत तौर पर नहीं होता। पुजारियों का चयन श्री शंकराचार्य दक्षिणामन्य श्रृंगेरी पीठ से शिक्षित विद्वानों के एक समूह द्वारा होता है, जिसमें ऋग्वेदिक पाठ जो पाशुपत योग के काशी मठ, शिव आगमा और हरिद्वार में सामवेद के उच्चारण से होता है, इन सभी मापदंडों को पूरा करने के पश्चात उन्हें पशुपतिनाथ मंदिर के राजगुरु द्वारा पुरोहित पद के लिए चुना जाता है। फिर वेद और शिव आगमों पर कड़ी परीक्षा से गुजरने के बाद चुने हुए पुजारियों को भगवान श्री पशुपतिनाथ की दैनिक पूजा करने के लिए काठमांडू भेजा जाता है। मंदिर में तस्वीर लेना सख्त मना है, इसलिए इस चलचित्र में पशुपतिनाथ भगवान के लिंग रूपी प्रतिमा का कोई चित्रण नहीं है। विश्व में श्री पशुपतिनाथ के 2 मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली हैं और कहते हैं कि जो भी छायाचित्र सर्वत्र उपलब्ध हैं वो मंदसौर के श्री पशुपतिनाथ भगवान का है। नेपाल की मूर्ति का कोई भी चित्र या छायाचित्र उपलब्ध नहीं है। श्री पशुपतिनाथ भगवान जी के दर्शन प्रत्यक्ष जाकर ही किए जाते हैं। इसे भगवान शिव के मानव अवतार के रूप में भी माना जाता है। मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ, धर्मशाला से आई हूँ। मैं कहती थी प्रभु अगर आप बुलाओगे ना तो दुरुस्ती में बुलाना। तो देखो एक दिन ऐसा आ गया, साक्षात शिव जी है यहाँ के, साक्षात अवतार है पशुपति जी भोलेनाथ के। तो उन्होंने हमें बुला लिया। हम रोज ये मन्नत करते थे तो हम कहते हे भोलेनाथ सारा संसार सुखी रहे, सबके दुख दूर हो, दरिद्र दूर हो, निरोगी काया हो, हाथ में माया हो। नमस्कार, वी आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश इंडिया। द टेम्पल वॉज ऑसम, एक्सलेंट फीलिंग, आई नेवर सी द परमेश्वर। दिस टेम्पल वॉज सो नाइस, सुपर्ब। दिस द फर्स्ट टाइम वी विल कम एंड द एक्सपीरियंस वॉज ऑसम। पशुपतिनाथ मंदिर के भीतरी आंगन में मौजूद मंदिर और प्रतिमाओं में वासुकीनाथ मंदिर, उन्नमत्ता भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्ति मुख भैरव मंदिर, बूढ़ा नील कंठ मंदिर और 184 शिवलिंग मूर्तियां प्रमुख रूप से मौजूद हैं, जबकि बाहरी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और गृहेश्वरी मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। मंदिर के बाहर एक रुद्राक्ष का पेड़ है। पशुपतिनाथ मंदिर में आर्य घाट का विशेष महत्व है, क्योंकि ये घाट मंदिर के पास एकमात्र स्थान है
जिसका पानी पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग मंदिर के कार्यों में किया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के उत्तर पूर्व में बागमती नदी के किनारे पर गौरी घाट है। गृहेश्वरी जाने वाली सड़क के पुल के नीचे एक बड़ा पत्थर है। नदी की धार से कटकर इस पत्थर पर विभिन्न आकृतियां बन गई हैं। ये पत्थर गौरी का प्रतीक है, इसी कारण इसका नाम गौरी घाट पड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार इस घाट के उस पार पहाड़ पर स्थित किरांतेश्वर को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने इस घाट पर माघ मास में नित्य स्नान किया था। मान्यता है कि इस गौरी घाट पर स्नान कर किरांतेश्वर के शिवलिंग के दर्शन करने से आरोग्य, सुख संपत्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पशुपतिनाथ मंदिर में साल भर में कई त्योहार मनाए जाते हैं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण त्योहार महाशिवरात्रि का होता है, जिसमें न केवल नेपाल बल्कि विश्व के हर कोने से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसके अलावा बाला चतुर्थी और तीज आदि त्योहार भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। तीज पशुपतिनाथ मंदिर में सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। ये त्योहार हिंदू नेपाली महिलाएं अपने पति की खुशहाली के लिए मनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि उस दिन उपवास रखने से पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत होते हैं। इसी विश्वास के चलते हर साल यहाँ माघ महीने में मेला लगता है। किरांतेश्वर शिवलिंग के बारे में एक पौराणिक कथा है। सतयुग में भगवान शिव पार्वती को बताए बिना किरांत रूप धारण कर श्लेष मानतक वन में विहार करने आए थे। इस बात का पता माता पार्वती को चलने पर वे किरांतनी रूप धारण कर यहाँ आ गई। शिव जी उन्हें पहचान ना सके, लेकिन उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने पार्वती जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। पार्वती जी उन्हें उनके पिताजी से मिलाने हिमालय को ले गई। हिमालय के नजदीक जाते ही वे भागकर यहाँ वापस आए और किरांतेश्वर शिवलिंग के रूप में यहाँ रहने लगे। इसलिए माता पार्वती ने माघ महीने में गौरी घाट में स्नान कर महादेव को प्रसन्न किया। एक पौराणिक कथा ये भी कही जाती है कि माता सती देवी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में अपने शरीर का त्याग किया, लेकिन अग्नि उन्हें भस्म न कर पाई। शंकर भगवान सती देवी के शव को कंधे पर उठाकर विलाप करते हुए तीनों लोक में घूमने लगे। देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने मक्खी की रचना कर सती देवी के शरीर में छोड़ दिया। मक्खियों के कारण उनके अंग गलकर जगह जगह गिरने लगे। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ एक शक्ति पीठ बन गया। ये सती देवी के प्रथम अंग पतन होने का स्थान है। इस आध्यात्मिक भूमि पर साधु संत बैरागी अघोरी श्रद्धालुगण श्री पशुपतिनाथ भगवान की भक्ति में तल्लीन होते दिखते हैं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्व कोने में बागमती नदी के पश्चिम किनारे के पुल के पास वत्सला देवी मंदिर स्थित है। ये मंदिर दो मंजिलों का है और इसका निर्माण परंपरागत पगोड़ा शैली में किया गया है। अंदर साकार मूर्ति न होकर एक मंडप है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता पार्वती अदृश्य रूप में वास करती हैं। ये मंदिर 17वीं शताब्दी का अप्रतिम नमूना है। हर साल चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन से 3 दिनों तक वत्सला देवी की रथ यात्रा निकाली जाती है। पश्चिम द्वार से बाहर निकलते ही गोरखनाथ मंदिर के लिए सीढ़ियां हैं। गोरखनाथ मंदिर शिखर शैली में बना है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के पश्चिमी मुख्य द्वार के बाहर पशुपति देव पतन बाजार है। पशुपति बाजार एक धार्मिक बाजार है। यहाँ धार्मिक तस्वीर, पुस्तक, पूजा सामग्री तथा धार्मिक देवी देवताओं की धातु तथा प्रस्तर की मूर्तियां मिलती हैं। यहाँ विशेष रूप से रुद्राक्ष और शालिग्राम की बिक्री होती है। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में दाह संस्कार की प्रथा सदियों से चली आ रही है। कथाओं के अनुसार ये मान्यता है कि जिसका भी दाह संस्कार पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। प्रथा ये है कि मृत व्यक्ति की देह को बागमती नदी तट पर स्थित शिला पर रखा जाता है।
पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग के अभिषेक का जल पत्थर से बनी संकरी नली द्वारा इस शिला पर प्रवाहित होता है। माना जाता है शिवलिंग के जलाभिषेक के स्पर्श मात्र से ही मृत व्यक्ति के इस संसार के सारे पाप मिट जाते हैं और उसके लिए सीधे स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। शिला पर विधि के पश्चात मृतक के बड़े बेटे का मुंडन किया जाता है और उसके बाद मंदिर के समीप बागमती नदी के तट पर मृत व्यक्ति की देह को खुली हवा में अग्नि देकर दाह संस्कार किया जाता है। मान्यता ये है कि प्रेताग्नि से उत्पन्न धुआं जब मंदिर परिसर में विलीन होता है तो मृतक को इस संसार के समस्त जीवन चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पशुपति क्षेत्र विकास कोष द्वारा श्रद्धालुओं को अनेक प्रकार की सुविधाएं मुहैया की जाती हैं। उनमें से विशेष रूप से पीने हेतु स्वच्छ पेयजल, श्रद्धालुओं के निजी वाहन पार्किंग की सुविधा, निवास हेतु विशाल धर्मशाला, श्रद्धालुओं के पूजा पाठ का विशेष प्रबंध, घाट व्यवस्थापन तथा दाह संस्कार हेतु विशेष प्रबंध, मंदिर और मंदिर परिसर की स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का प्रबंध। पशुपति क्षेत्र विकास कोष नेपाल सरकार के अंदर में काम करते हैं और इसके संरक्षक प्रधानमंत्री जी होते हैं और इसका अध्यक्ष मंत्री जी होते हैं, संस्कृति मंत्री जी होते हैं। और यहाँ पे जो सारी पूजा व्यवस्था और ये समस्त एरिया की व्यवस्था करना प्रमुख कर्तव्य है हमारी। यहाँ पे आके भक्तजन दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और यहाँ से एक ऐसा संदेश और ऐसा ज्ञान लेके जाते हैं कि सारी दुनिया में शांति और प्रेम का भाव रखना चाहिए, ऐसा भाव लेके जाते हैं। इस जगह में ऐसी एक आभा है, ऐसी एक औरा है जिसको हर कोई भक्तजन फील कर सकता है। और जो ध्यानी लोग हैं, योगी लोग हैं, यहाँ पे आके साधना और तप करना चाहते हैं। कई रिसर्चर्स यहाँ आके इसी जगह पे बैठ के रिसर्च भी करते हैं और उसका पब्लिश भी करते हैं। बहुत सारे सन्यासी और धार्मिक गुरुओं का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है। और जो भारत के लोगों में भगवान पशुपतिनाथ के प्रति जो अगाध आस्था और श्रद्धा रही है वो सदियों से है और उस हिसाब से हमारे दोनों देशों के बीच मित्र भाव भी बना रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। पशुपति मंदिर के मुख्य आकर्षणों में से एक बागमती नदी के किनारे होने वाली संध्या की आरती है। ये आरती मुख्य रूप से बागमती नदी के दूसरे छोर पर यानी पशुपतिनाथ मंदिर के सामने संध्या 6 बजे शुरू होती है। आरती 3 पुजारियों द्वारा तेल के दियों और अन्य पूजा सामग्रियों द्वारा की जाती है। जय शिव शंकर शंभो, जय गिरिजा त्रिशा शिव, जय गिरिजा त्रिशा, जय जय करुणा सागर, जय जय करुणा सागर, पशुपति जगदीशा। ओम हर 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 महादेव, गिर कैलाश निवास छा गढ़ शंसा
आरती के समय कई श्रद्धालु भगवान शिव का तांडव नृत्य भी करते हैं। इस आरती का मुख्य उद्देश्य मानवता की सुख समृद्धि है। भगवान को भगवान को श्री माता बागमती गंगा को श्री पशुपतिनाथ भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपका जीवन सुखद हो। इसी प्रार्थना के साथ हम श्री पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। जय भोलेनाथ, जय पशुपतिनाथ।